वेलकम टू नेशनल पर्सपेक्टिव, राष्ट्रीय दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। आई एम हियर फॉर अ ब्रीफ डिस्कशन एंड क्विक एनालिसिस ऑन द टॉपिक इंडो जापानीज रिलेशनशिप एंड आफ्टर शिंजो अबे। आज हम लोग जापान में नेतृत्व परिवर्तन, नए जापानी प्रधानमंत्री, जोशपूर्ण भारत जापान संबंध और भारत जापान संबंध के भविष्य पर संक्षिप्त चर्चा और त्वरित विश्लेषण करेंगे। भारत को प्रधानमंत्री शिंजो अबे के कमी महसूस होगी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की अबे की नीतियों के साथ जारी रहने की संभावना है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। प्रधानमंत्री शिंजो अबे और मोदी के तहत भारत जापानी संबंधों को बढ़ावा मिला है और जापान के नेतृत्व बदलने से भारत जापान संबंधों की दिशा बदलने की संभावना नहीं है। मोदी अबे संबंध भारत जापानी द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण और कभी कभी बहुत ही सार्वजनिक विशेषता रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंधों का, अर्थात भारत और जापान के बीच संबंधों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी की लुक ईस्ट पॉलिसी ने भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का कहना है कोविड महामारी और जापान में अगले साल के चुनाव के प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री सुगा की घरेलू मुद्दों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रधानमंत्री शिंजो अबे के विदेश नीति को बनाए रखने की पूरी संभावना है। अबे के कार्यकाल में कैबिनेट सचिव के रूप में काम करने वाले सुगा सरकार की नीतियों के साथ पूरी तरीके से परिचित हैं और भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करने की पूरी संभावना है, क्योंकि बदलाव की इस अवधि में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। अबे के तहत भारत जापान के लिए विदेशी सहायता और विदेशी निवेश के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। नई दिल्ली और टोक्यो अफ्रीका में भी एक साथ काम कर रहे थे। साथ ही साथ वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर, अर्थात अल्टरनेट सप्लाई चेन्स पर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी, अर्थात स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक रीजन पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे। यह सब योशिहिदे सुगा के आर्थिक और क्षेत्रीय फोकस पर असर डालता है, डालेगा, ये सारी बातें। इसके अलावा क्षेत्र की वास्तविकताओं रीजनल रियलिटीज, उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए चुनौतियां और चीनी विस्तारवाद और आक्रामकता भी नहीं बदली है, ये सारी बातें भी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के नीतियों को प्रभावित करें। क्षेत्र के भविष्य की मांग है कि भारत और जापान साझेदारी में मिलकर काम करते रहें और भारत को प्रधानमंत्री अबे की याद तो आएगी, लेकिन भारत जापान संबंध सुरक्षित। तो ये था भारत जापान संबंधों पर संक्षिप्त चर्चा और त्वरित विश्लेषण। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you very much. We will meet soon with a new subject. Thank you very much.